हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द प्राइस ट्यूटोरियल टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द नेट 2k22 प्रॉब्लम सो लेट अस स्टार्टेड हियर गिवन प्रॉब्लम इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड ओके लिस्ट फर्स्ट में ऑर्स दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में इन ऑर्स का कंपोजिशंस दिया गया है यहां और दिया गया है हेमेटाइट और सेकंड दिया गया है मैग्नेटाइट थर्ड दिया गया है कैलामाइन और फोर्थ दिया है कोलिनाइट ठीक है अब हमें मैच कराना है कि कौन सा और जो होगा वह लिस्ट सेकंड के किस कंपोजिशन से मैच करेगा ठीक है फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेमेटाइट के बारे में हेमेटाइट जो होता है वह आयरन का मोस्ट इंपॉर्टेंट और माना जाता है और इसका फार्मूला एफ होता है मीन ये जो हेमेटाइट होगा वह थर्ड से मैच करेगा तो यहाँ ए जो होगा वह थर्ड से मैच करेगा ठीक नेक्स्ट है मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है एफ ई थ्री ओ फोर यह भी आयरन का ही और होता है ओके तो यहाँ मैग्नेटाइट जो होगा वह एफ ई थ्री ओ फोर से मैच करेगा ठीक है मीन्स बी वाला जो होगा वह कंपोजिशन फर्स्ट से मैच करेगा ठीक है नेक्स्ट है कैलामाइन कैलामाइन जो है वह का मोस्ट इंपॉर्टेंट और माना जाता है और इसका फार्मूला होता है जडियन सी ओ थ्री जिसे हम लोग जिन कार्बोनेट भी कहते हैं तो कैलामाइन जो होगा वह मैच करेगा सेकेंड वाले से ठीक मीन्स कैलामाइन का जो कंपोजिशन होगा वह जेड सी ओ थ्री होगा ठीक तो ये जो सी वाला होगा वह वा सेकंड से मैच करेगा ठीक है अब लास्ट है केवलीनाइट केवलीनाइट का फार्मूला होता है एल टू ओ का होल फोर एस आई टू ओ फाइव होता है और यह एल्यूमिनियम का एक इम्पोर्टेंट और माना जाता है ठीक है मीन्स ये जो डी वाला होगा वह वा फोर्थ से मैच करेगा ठीक डी जो होगा वह फोर्थ से मैच करेगा तो हेमेटाइट जो होता है वह आयरन का एक इम्पोर्टेंट और माना जाता है और इसका जो फार्मूला होता है वह एफ होता है और जो मैग्नेटाइट होता है या भी आयरन का ही और माना जाता है और इसका फार्मूला एफ होता है ठीक कैलामाइन की अगर बात करें तो कैलामाइन जो होता है वह जिन का इम्पोर्टेंट और माना जाता है और केवलिनाइट जो होता है वह अलमिनियम का और माना जाता है ठीक है अब हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ए जो होगा वह थर्ड पर जाएगा बी जो होगा वह फर्स्ट पर जाएगा सी जो होगा वह सेकेंड पर जाएगा और डी जो होगा फोर्थ पर जाएगा तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वह सही होगा ऑप्शन सेकेंड की अगर बात करें तो ऑप्शन सेकंड में कह रहा है कि ए जो होगा वह थर्ड पर जाएगा ठीक है बी जो होगा वह फर्स्ट पर जाएगा ये भी ठीक है सी जो दिया गया है वह फोर्थ पर जा रहा है जबकि सी को जाना चाहिए सेकंड पर तो ए ऑप्शन क्या है है। इसी तरह से थर्ड वाले ऑप्शन में ये जो होगा वो फर्स्ट पर जा रहा है जबकि थर्ड पे जाना चाहिए तो ये भी क्या होगा रॉन्ग होगा ऐसे फोर्थ वाले ऑप्शंस में ये जो होगा वो फर्स्ट पे जा रहा है तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट आंसर होगा ओके आई होप आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा सो थैंक यू